अंदर एक चिल्लेगी। बोलना है आपको कुछ? हाय हाय हाय, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मॉल में आई हूँ अभी मैं, पैसिफिक मॉल। अब इस बार ना मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं आई, हम फैमिली टाइप की हैं, मामा के साथ आई हूँ, अपने फेवरेट मामा के साथ। अभी पैसिफिक मॉल पे हम बाहर खड़े हैं, अभी अंदर भी जाएंगे। इतनी आवाज ही क्या आ रही होगी अब? नहीं आ रही, वो चिल्लाऊंगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आज मैं आया हूं दिल्ली में पैसिफिक मॉल में शॉपिंग करने के लिए। लगभग 1.5-2 साल के बाद मुझे मौका मिला है शॉपिंग करने का। देखो आज संडे है लेकिन संडे जैसी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। इतने बड़े पैसिफिक मॉल के बाहर जहां पब्लिक देखने को मिलती थी और पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, आज सन्नाटे छाए पड़े हैं। बाहर घूमना अभी भी बिना मास्क के अलाउ नहीं है। अगर आप बिना मास्क के बाहर निकलते हैं तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और मॉल के अंदर भी यही हाल चाल है, आप बिना मास्क के नहीं अंदर जा सकते। तो अभी मैं आ चुका हूँ मॉल के अंदर, सूफिया के लिए मुझे कपड़े देखना है। सोफिया के लिए अभी मैंने कपड़े देखे हैं लेकिन मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे अब लगता है कि मैक्स के स्टोर में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ उस साइज़ में मुझे कुछ नहीं मिला जो मुझे साइज़ सोफिया के लिए चाहिए। तो चलिए मैक्स चलते हैं। ये मैंने अभी चलते चलते अपने लिए एक तौलिया उठा रखी है, 50% ऑफ मिला इस पर। शॉपिंग के लिए तो मैं कल भी मॉल में आया था लेकिन कल मेरी शॉपिंग अधूरी रह गई थी क्योंकि मैं इतनी जल्दी शॉपिंग कर नहीं पाता हूँ। कल मैंने राफिया तमीम
और फूसिया के लिए एक टी शर्ट ही परचेज कर पाया था और अपने लिए 3 शर्ट। तो कल की बाकी रही शॉपिंग को आज मैं पूरा करने आया हूँ और इस वक्त मुझे लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो सिर्फ इतने टाइम में सूफिया के लिए मैं कपड़े पसंद कर पाया हूँ और लगभग मुझे अपने लिए 3 जीन्स और परचेज़ करनी है और वो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी उनको पसंद कर पाऊँगा, परचेज कर पाऊँगा, क्योंकि मॉल के अंदर आने के बाद तो कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपका बजट से ऊपर कहीं निकल के नहीं जा रहा हो और आपको जो चीज़ पसंद आ रही है वो आ जानी चाहिए। जब हम कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और बजट का ख्याल रखना पड़ता है तब हमको लगता है कि हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और स्ट्रगलर की लाइफ को जी रहे हैं। तो बहुत जल्द इस चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकूँगा कि जब भी कोई भी अपने लिए मैं कोई परचेजिंग करना चाहूँ, कोई शॉपिंग करना चाहूँ, तो मुझे ये ख्याल ना करना पड़े कि मेरे बजट से ऊपर जा रहा है। इंशाल्लाह अभी मैं गया था लाइफ स्टाइल के शोरूम पर जहाँ पे मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, हालांकि पसंद आने को बहुत कुछ आ रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे महंगे उनके प्रोडक्ट थे तो मैं वहाँ से भी बाहर निकल चुका हूँ। तो फाइनली मैं जाने वाला हूँ स्प्लैश के शोरूम में जहाँ मुझे उम्मीद है कुछ मुझे पसंद आ सकता है मेरे बजट के हिसाब से। मेरे लिए शॉपिंग करना किसी पहाड़ खोदने से कम नहीं है। पूरा 1 बजे मॉल में एंटर हुआ था शॉपिंग करने के लिए और अब बच चुके हैं शाम के 5, यानी कि पूरे 5 घंटे लगे हैं मुझे अपनी शॉपिंग करने के लिए। ये शॉपिंग करने में मुझे सबसे ज़्यादा वक्त इसलिए लगता है क्योंकि मैं कभी भी अपनी परचेसिंग करने के बाद ये फील नहीं करना चाहता हूँ और ये सोचना नहीं चाहता हूँ कि काश मैंने कुछ और खरीद लिया होता। काफ़ी सोचने और समझने और ट्राई करने के बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे वो चीज़ परचेज़ करनी है या नहीं। तो फाइनली आज की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है तो चलते हैं हम यहाँ से घर पे और आपको दिखाएंगे कि हमने आज की शॉपिंग में क्या क्या किया है और कल भी शॉपिंग में क्या क्या किया था। अभी हम दिल्ली से घर वापस जा रहे हैं और अभी रास्ते में हमारी बस रुकी हुई है एक ब्रेक पॉइंट पर। राफिया को आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है तो उसने खाना तो खाया नहीं, खाना पप्पी के घर से खा कर आई है थोड़ा बहुत और अब आइसक्रीम खा रही है। तो राफिया के साथ में मैं भी ब्रेक पॉइंट पर आइसक्रीम का मज़ा ले रहा हूँ। राफिया हमारे साथ जब दिल्ली पहुँची थी 2 दिन पहले तो राफिया का मूड था कि दिल्ली में रुकेगी और जब राफिया से कहा गया कि पढ़ना है, ट्यूशन जाना पड़ेगा, स्कूल भी जाना पड़ेगा जब खुलेंगे तब, तो राफिया का मूड चेंज हो गया और ये अब घर वापस जा रही है बिल्कुल नौमान की तरह है, पढ़ना तो चाहती नहीं है। कैसी आइसक्रीम? अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। अच्छी से बुला रहे हो जानते भी देर भाई दे। किसने दिलाई थी चिप? अभी लगभग 10:30 बजे हैं रात के और बस काफ़ी जल्दी इस पॉइंट पर आ चुकी है कि हम यहाँ पे आके एक ब्रेक ले रहे हैं और कुछ खा पी रहे हैं। खाना तो हम लोग घर से खा कर आए हैं और अभी भूख भी नहीं लगी है क्योंकि गाड़ी हमारी रख दो हाथ पहुंचने के लिए। खाना हम लोग दिल्ली से खा कर आए हैं और भूख अभी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि 2 घंटा पहले खाना खाया था और इस वक्त ये फर्स्ट चांस है दिल्ली से वापस आने में कि इस ब्रेक पॉइंट पर हम पहली बार टाइम पर पहुंचे हैं, यानी वक्त से पहले आ गए हैं, इसलिए भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बट राफिया अभी आइसक्रीम खाने में मगन है, खाते वक्त बात नहीं करती है।
जब तमीम को ये पता चलेगा कि राफिया ने रास्ते में आइसक्रीम खाई थी, फिर क्या कहेगा वो? क्या मैं भी खाऊंगा। इसीलिए तमीम दिल्ली आना चाह रहा था, क्योंकि उसको भी कुछ चीज़ खाने की। अपनी तो आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी है, बट राफिया के भी चल रही है, तो मैं अपनी फिनिश करने के बाद राफिया की आइसक्रीम में हिस्सा लूँगा।